integrate it. Add wings to your career. Hello guys, welcome back to our channel Integrate It. ठीक है, अपन ने columns, shear force, bending moment, deflection ये सब कर दिया था. Strength of material का अपना next topic है principal stresses and strains. देखो principal stresses and strains directly clearly कहीं भी राजस्थान JEE के syllabus में नहीं given है. Okay, but SSC JEE और दूसरे स्टेट AEE के exams में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अपने एक दो चैप्टर्स और आएंगे आगे. ठीक है, तो भले राजस्थान जेई वाले बच्चे हो या कोई और बच्चे हो, ठीक है, ये वाला चैप्टर आगे और जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं उसका बेस बनाता है. ठीक है, तो आपको ये पढ़ना ही है भले आप के सिलेबस में नहीं हो चाहे हो. ठीक है, तो राजस्थान जेई वाले बच्चे खासकर, ऐसा नहीं है कि अपने को सिलेबस टू सिलेबस चलना है, नहीं, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी अगर इसके लिंक आ गया तो वो आ सकता है. ठीक है, एग्जाम में हमारे तो इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है ये छोड़ के जाना है, सबको, हर बच्चे के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चाहे आपने वाले यूनिवर्सिटीज वाले भी ले लो, क्योंकि बहुत अच्छा बेस बनाता है इससे स्ट्रेस और स्ट्रेंस का. ठीक है, देखो अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास में शियर स्ट्रेसेस और नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेसेस वगैरह वगैरह टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखा था. ठीक है, अब हमारा जो ये चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस मतलब अभी अपन ने क्या किया था, नॉर्मल किसी एक सेक्शन में स्ट्रेस कैलकुलेट किया था. ठीक है, अब वो सेक्शन अपन ने क्या लिया था, देखो नॉर्मल लिया था, यानी कि अगर लोड ऐसे लग रहा है और इस सेक्शन की बात करूं मैं, तो इस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेते थे अपन, बिल्कुल, तो सीधा मैंने कह देते ये सिग्मा पी अपॉन ए हो जाएगा, ये अपन पहले देख चुके हैं. ठीक है, अब जो आज हम बात करने वाले हैं वो किसी ऑब्लिक प्लेन के ऊपर बात करेंगे, कि इस ऑब्लिक प्लेन पे कोई भी जनरल एक प्लेन पे, ठीक है, चाहे तो वो ऐसे हो सकता है कैसे भी हो सकता है प्लेन्स. ठीक है, तो कोई भी ऑब्लिक प्लेन पे हमें क्या स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, जो इंड्यूस होंगे किसकी वजह से, जो हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं. बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ. अब जो हम करने वाले हैं जी, वो स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे किसी ऑब्लिक प्लेन पर अगर हमने कोई डिफाइंड एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रखा हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले यूनिएक्सियल लोडिंग देखेंगे. ठीक है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग देखो नाम इंड्यूस आ रहा है, क्यों इंड्यूस आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस जनरेट होता है ठीक है बॉडी में, अगर कोई मैं एक्सटर्नल लोड लगाता हूं तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग बोल दो या यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस बोल दो, एक ही बात है. अगर मैं नेट स्ट्रेस भी अप्लाई कर रहा हूं यूनिएक्सियल डायरेक्शन में, देखो ये हमारी एक कोई भी बार ले लो, रेक्टेंगुलर बार ली है मैंने, या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल ए. ठीक है, अब देखो मैंने क्या लगाया, एक एक्सियल लोड लगाया, एक्सियल लोड है क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट लग रहा है इसकी, देखो. ठीक, अब मुझे क्या करना है, किसी ऑब्लिक प्लेन पे जैसे मैंने ये एक प्लेन कट किया, इस बॉडी पर कोई भी एक प्लेन कट किया, ठीक है, बीच का कोई भी एक प्लेन कट किया, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है. ये एंगल थीटा किससे बना रहा है, वर्टिकल से बना रहा है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, हमेशा अपन एक ही चीज करके चलेंगे, कभी भी आगे भी चलेंगे, हमेशा थीटा किससे होगा, वर्टिकल से. ओके, अगर थीटा वर्टिकल से लूंगा, फिर ध्यान रखो कि ये जो थीटा है वो वर्टिकल से. ठीक, चलो ये क्या है, मैंने नाम दिया ऑब्लिक. ठीक, अब इसको मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसकी, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, आगे वाला कुछ और है. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लग रहा था, एक पी लग रहा है, तो अगर मैंने जैसे अपन ने पहले किया था, अगर मैंने इस डायरेक्शन में पूछूं तो यहाँ पर तो वापस पी ही आएगा, क्योंकि इसको अगर एक्स एक्सिस में, अगर ये एक्स डायरेक्शन मानूं, तो अगर इस बॉडी का इक्विलिब्रियम देखूं एक्स डायरेक्शन में, तो पी इक्वल टू पी होना चाहिए, मतलब ये एफ जो भी, अगर ये एफ जनरेट हो रहा है तो ये डायरेक्शन अपने आप ने स्टार्टिंग लेक्चर में किया था, ये P इक्वल टू F आया था. ओके, तो अब इस P है, अब ये क्या है एंगल, ये एंगल है थीटा, पर ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन तो इसके एंगल भी बना रहा है,
तो इस प्लेन पे ये वाला जो लोड है पी नो ना तो वो एक्सियल डायरेक्शन में है ना तो वो टेंजेंशियल या शियर के डायरेक्शन में है, ये कोई आर्बिट्री एंगल पे है, ठीक है। पर अपने को स्ट्रेसेस जो निकालने होते हैं एक्सियल और शियर निकालने होते हैं, एक्सियल को नाम दो हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। तो ये जो लोड है, ये वाला जो लोड है हमारा, वो क्या करेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा और एक इसके टेंजेंशियल, ये इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, ये इसी की डायरेक्शन में, बताने के लिए मैंने ये इसी प्लेन की डायरेक्शन में है और ये एंगल वापस थीटा। तो बताओ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा होगा और इसका पी साइन थीटा। तो ये जो पी कॉस थीटा वो क्या करेगा, इसको मैं ये नॉर्मल फोर्स है पी एन, ठीक है, कैपिटल पी को अपन लोड से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी को अपन स्ट्रेस से डिनोट करते हैं और ये क्या है कैपिटल पी टी, ठीक है। तो पी एन को मैंने क्या नाम दिया, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। इस पर ऑब्लिक प्लेन, इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर, ये ए है, ये सी है और ये है बी, नॉर्मल फोर्स ऑन ए सी, क्योंकि अब मेरा प्लेन कौन सा है, ए सी है ना, तो नॉर्मल फोर्स, इसका नॉर्मल फोर्स कितना आया, पी कॉस थीटा है, क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये 90 है ना, ठीक है। और इसके टेंजेंशियल, इसके टेंजेंशियल किसके, एसी के टेंजेंशियल पीटी हो जाएगा, पीटी को मैं क्या नाम दूंगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो आप देख के बताओ, अगर नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या निकाला, ये जो P फोर्स लग रहा था ना, उस P के कंपोनेंट कर दिए एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अभी मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व किया, अगर फोर्सेस अपन ने ये 11th क्लास में बहुत किए थी कि अगर ये थीटा है तो ये P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा, ये ना, क्योंकि एक्सटर्नल लोड हमारा यूनिएक्सियल लोडिंग, हमारा केस क्या है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, क्योंकि अगर अपन यूनिएक्सियल लोड नहीं पढ़ेंगे तो अपने को बाईएक्सियल और शियर वाले केसेस समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड केस ये होता है यूनिएक्सियल लोडिंग, अगर अपने को ये समझ में आ जाएगा तो सारे केसेस अपने आप फिर अपने को फिर रिजल्ट याद करते हैं, ठीक है। देखो अब ये तो क्या चीज आई, फोर्सेस, ये अभी अपन ने क्या किया, फोर्सेस को रिजोल्व किया, मुझे चाहिए क्या, स्ट्रेस, ठीक है। अपन बात क्या कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अपन जो उसकी डायरेक्शन में, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स अपॉन इसका एरिया। तो अब एरिया किसका चाहिए मेरे को, ए बी का चाहिए या ए सी का चाहिए, ए सी का चाहिए, इस प्लेन का चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ये साइड, ये लेंथ इसकी मैं मान लूं एल है, ए बी एल है, तो ए कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा का ये होगा, अगर एल ही होती तो ये एल सेक थीटा हो जाएगी ए सी, मतलब अगर इसका एरिया ए है, एरिया से लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर यूनिट लेंथ मान लेता है तो एरिया लेंथ, एरिया इसका ए है कैपिटल ए, ठीक है, किसका, ए बी का, ए सी का एरिया कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा होगा, यहाँ लिख देते हैं इधर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एरिया है ये कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कैपिटल ए है तो ए सी कितनी हो जाएगी, ए सेक थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे अब ए सी से मतलब है, मुझे अब ए बी से मतलब, ए से मतलब नहीं है, बी सी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो बताओ अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंशियल नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं पहले पी एन, तो पी एन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन ए सी एरिया इसका, यानी पी एन कितना अभी निकाला अपन ने, पी कॉस थीटा, और ये कितना निकाला, ए सेक थीटा निकाला था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पी कॉस स्क्वायर थीटा P। अब ये पहले P small P लिया है, क्यों, क्योंकि small P is equals to P by A, ये अपन ने axial stress निकाला था P by A, ठीक है, किसका, ये वाला है, इस plane पर अगर P by A है, तो इस पर कितना हो जाएगा, AC पर P cos square theta, और अगर direct ऐसे लिख दूं, तो capital P of by A into cos square, हटा दो इसको, ठीक है। तो मेरा अभी तक ये सब बताने का मतलब क्या था, स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ, स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, P by A cos square theta, B क्या था, लोड एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
और अगर डायरेक्ट लिखूं तो स्मॉल b cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आया p n आया। तो ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या निकालना है, pt निकालना है, तो pt कितना आ जाएगा। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट है, अगर अगर ये फोर्स यहां लग रहा है, अगर क्योंकि देखो ये p तो यहां था और नॉर्मल और टेंजेंशियल ही होता, जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा वो ऐसे जनरेट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा, न्यू जाएगा इस डायरेक्शन में आएगा, ये pt यहां आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है ना, अपन हमेशा स्ट्रेस की डायरेक्शंस कैसे निकाली थी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को याद करो, अपन ने ये क्या किया था, ऐसे किया था, ये पॉजिटिव कपल था, अपन इसको पॉजिटिव शियर फोर्स माना था या पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, ठीक, आगे ये नेगेटिव माना था, तो ये वाला नेगेटिव माना था ना, तो ये वही है। देखो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो स्ट्रेस यहां आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। तो ये आया pt, तो pt को मैं क्या लिखूंगा, pt को लिखूंगा मैं माइनस ऑफ p sin theta अपॉन व्हाट a sec theta, वापस वो तो ac theta तो वही है, ठीक है, ac प्लेन तो हमारा वही है, यानी ये कितना बन जाएगा माइनस p sin theta cos theta बन जाएगा। अब 2 sin theta cos theta कितना होता है, sin 2 theta, इसको ये लिख सकता हूं, ये b by a है, b by a, ठीक है, ये इसको p लिख दो, p sin 2 theta divided by 2, ये क्या आ जाएगा मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओके। तो मैं इसको थोड़ा जनरल लिख देता हूं, यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण, यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण जो हमारे नॉर्मल और शी नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हुए वो कितने आए, pn तो आया, कितना आया था p cos स्क्वायर थीटा, और pd कितना आया माइनस ऑफ p sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, ये चीज समझ आई। अगर मैं पूछे रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है इस प्लेन पे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अपन ने वेक्टर एडिशन कर रखा है, pr स्क्वायर ओ pn, ये नॉर्मल और टेंजेंशियल का स्क्वायर करते हैं ना, √a स्क्वायर + b स्क्वायर, अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो ये आ गया रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये आ गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्ट्रेस, क्लियर। तो अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो स्ट्रेसेस कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, कौन से स्ट्रेस इंड्यूस हो रहे हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल, ये देखा। अब अपन क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर सिर्फ शियर लगाते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल शियर लगाते हैं, तो वो कैसे ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे वो देखते हैं, ठीक है। आपको कोई से भी ऐसे भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, डाउट पूछने में कभी अपने को शर्माना नहीं है, कैसे भी बड़ी छोटा सा छोटा डाउट हो आपको पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसी ही है, इसीलिए ही है आपका एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और देखो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके अपने को एग्जाम में कंफ्यूज क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि अच्छा वो नॉर्मल ऐसे था तो अब कैसे होगा, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, साइन कन्वेंशन देखो, अगर अपन ने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अच्छे से पढ़ा था तो अब यहाँ भी काम आ रही है वो चीजें, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अगर अच्छे से पढ़ा तो डिफ्लेक्शन में भी अपन ने वो सब कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ड्यू टू सिंपल शियर, अब शियर के कारण कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होते, अब ये लोड भी लगा, अब जैसे मैंने यूनिएक्सियल लोडिंग लगाई, अब मैं लोड नहीं लगाऊंगा, सिर्फ क्या लगाऊंगा, शियर लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ शियर लगाऊंगा। तो देखो शियर कैसे लगता था, ये क्यों ऐसे लग रहा है, ये क्यों ऐसे, ठीक है, ये देखो मैंने बताया था शियर स्ट्रेस की प्रॉपर्टी, या तो एडजेसेंट फेस पे दूर जाती हुई या पास आती हुई और इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। तो अगर मेरे को वापस वही देखो, अगर मुझे इस प्लेन पे निकालना है, ऑब्लिक प्लेन है, वापस थीटा बना रहा है, थीटा वापस बना रहा है, तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, तो इस पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए पता है मेरे को, ठीक है, जो भी है। अब मुझे वापस किस फेस पे निकालना है, इस फेस पे निकालना है, इस प्लेन पे निकालना है, इस प्लेन पे कैसे कैसे स्ट्रेसेस आएंगे, एक नॉर्मल और एक, अब देखो मैं डायरेक्ट इधर ही ले रहा हूँ, PT टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, ये स्ट्रेस लिखा है। अब लोड का देखे तो
क्योंकि अभी तो ये तो अभी अपन ने फोर्सेस, कभी भी अपन जब रिजॉल्व की बात करते हैं ना कि भैया इसके परपेंडिकुलर ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वो फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं, स्ट्रेसेस को रिजॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है, हमेशा फोर्सेस को रिजॉल्व करना, क्योंकि स्ट्रेस तो जनरेट हो रहा है, ठीक है, फोर्स के कारण, तो फोर्स अपन को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, ये सी था, ये बी था, ये ए था, यहाँ पे स्ट्रेस था क्यू, यहाँ पे स्ट्रेस था क्यू, तो एरिया के मतलब इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए होगा कि नहीं। अभी अपन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो बताओ नॉर्मल कैसे जनरेट होगा, नॉर्मल कैसे जाएगा। अब मैं फोर्स कह रहा हूँ, ये कैपिटल पी आता है फोर्स, कभी कंफ्यूज मत होना, कैपिटल पी फोर्स होता है, स्मॉल पी स्ट्रेस होता है, ठीक है। और ये तो था हमारा थीटा, ये थीटा, नहीं था। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी टी आएगा, कैपिटल पी टी आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब किसको देखो, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर गड़बड़ होती है यहाँ पर। अब जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला अगेन थीटा है कि नहीं। और यहाँ पर देखो, ये थीटा एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ ही गड़बड़ होती है, थीटा ही अपन गलत ले लेते हैं तो सारे कंपोनेंट ही गलत आ जाएंगे, ओके। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे फोर्सेस रिजॉल्व करना है, उसके बाद अपने आप स्ट्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। चाहो तो मैं स्ट्रेसेस के टर्म्स में लिख देता, तो स्ट्रेस पी टी यहाँ आएगा और पी एन तो यही आता है, स्ट्रेसेस पी एन तो यही आएगा, ये पी, ठीक है, पी, ओ पी एन, इसको अलग अलग सेम कलर में, ये कौन सा है, एनटीटी, बहुत अच्छा लगा, ओके। तो अब ये क्या है, नॉर्मल फोर्स, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, क्लियर, बात समझ आई। और ये है नॉर्मल टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, और ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ एक, अपन ने एक्सटर्नल लोड तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया था, एक्सटर्नल लोड को अपन ने क्या लगा रखा है, देखो एक्सटर्नल लोड तो अपन ने सिर्फ एक शियर लगा रखा है, ठीक है। तो अब मुझे फोर्सेस रिजॉल्व करना है, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन के पैरेलल, तो अलोंग दी एसी बोल रहा हूं, और एक परपेंडिकुलर टू एसी, पहले मैं परपेंडिकुलर टू दी एसी बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोर्सेस बैलेंसिंग कर रहा हूं, बैलेंसिंग दी फोर्सेस, क्यों, बैलेंस करने के बाद ही तो अपने को पता चलेगा कि ये क्यू के टर्म्स में पी और एन कितने आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने पहले पी के टर्म्स में निकाले थे जस्ट पहले यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण। तो बैलेंसिंग फोर्सेस, बैलेंसिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दी एसी, ठीक है। मैं इसमें इतना टाइम इसलिए ही दे रहा हूं क्योंकि आगे जब अपन बाईएक्सियल पढ़ेंगे उसमें फिर अपने को सीधा रिजल्ट ध्यान रखना है, और बस ये ऐसे ही कंपोनेंट्स आएंगे उसके भी, और अपने को वो डायरेक्ट काम करना है, ठीक है। तो बताओ, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बैलेंसिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दी एसी, तो परपेंडिकुलर टू दी एसी कितना आएगा, नॉर्मल पीएन इनटू ए सेक थीटा, और इसका कंपोनेंट क्यू ए साइन थीटा, और इसका भी क्यू ए साइन थीटा, तो इसको यहां लेके जाओगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस, इधर भी ऊपर कॉस, यानी नॉर्मल क्या बन जाएगा, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये बन जाएगा क्यू ए कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस वापस यही आ जाएगा क्यू ए कॉस थीटा साइन थीटा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन टू थीटा, देखो टू कॉस थीटा साइन थीटा साइन टू थीटा होगा ना, यानी ये तो बन गया पी, क्यू इंटू ए को पी ले लो, और हमारा आगे आंसर कितना, ए से ए सब कैंसिल, इधर भी तो ए था, ए कैंसिल हो चुका है, ठीक, तो ये आ गया क्यू क्यू साइन टू थीटा, ये क्या निकला हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। अब कैसे लिखना नॉर्मल, अपन ने बैलेंस किया परपेंडिकुलर टू दी एसी, अब अलोंग दी एसी करते हैं,
अब अलोंग भी ऐसे करेंगे तो हमारा टेंजेंशियल निकल जाएगा बस, तो ये ही हमारा है। फिर उसके बाद अपने को डायरेक्ट सीधा अपन ये टर्म याद रखेंगे, नॉर्मल कितना आएगा और शियर कितना आएगा, टेंजेंशियल कितना आएगा। तो पी टी, अब मैं अलोंग दी कर रहा हूँ, अलोंग दी एसी कर रहा हूँ, अलोंग दी एसी, ठीक है। तो अलोंग दी एसी देखो, एसी के अलोंग, अब स्ट्रेस यहाँ है, ध्यान रखना यहाँ स्ट्रेस है। तो अब मेरे को अगर ये वाला कंपोनेंट ना यहाँ पे माइनस में लिखूंगा ये, और ये लिखूंगा इसकी डायरेक्शन में, तो ये वाला अगर मैं इक्वल टू ले रहा हूँ तो ये यहाँ इसके माइनस में लूंगा इधर, ठीक है ना। एक कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा इसका वाला, देखो माइनस में बनेगा, तो ये आया हमारा पी टी। इसको मैं डायरेक्ट अगर नीचे सीधे डिवाइड में लिखूंगा तो ये आएगा हमारे पास क्यू इंटू व्हाट, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, और वो आएगा हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, ये तो साइन थीटा है। इसका अपन करेंगे तो कितना आएगा, PT, PT डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सीधे, जो कि रिजोल्यूशन रखता हूँ फालतू दिमाग नहीं लगाना, Q ये बन जाएगा cos square theta minus sin square theta, और यहाँ आंसर आ जाएगा। अपने को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, अपने को सीधे ये देखना है, ये cos square बन जाएगा, cos 2 theta बन जाएगा, cos square theta minus sin square theta होता है ना, तो ये cos 2 theta बन जाएगा, cos 2 theta, ये क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इसके कारण शियर के कारण पी टी टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्यू कॉस 2 थीटा और पी एन क्यू साइन 2 थीटा, बस ये दिमाग में रखना है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अगर सिंपल शियर है तो क्यू कॉस 2 थीटा, क्यू साइन 2 थीटा, कंप्लीट, ठीक है। अब अपने को सीधा अपन बाईएक्सियल लोडिंग क्योंकि अपन यूनिएक्सियल और सिंपल शियर दोनों देख लिए, अब अपन को क्या देखना है, बस बाईएक्सियल देखना है, क्योंकि ट्राईएक्सियल तो अपने कोर्स में ही नहीं है, ओके, सिर्फ बाईएक्सियल और यूनिएक्सियल ओनली। ट्राईएक्सियल भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राईएक्सियल भी बहुत सिंपल है, आया नहीं आज तक क्वेश्चन, हमेशा बाईएक्सियल तक ही पहुंचा पूछा हुआ, ठीक है। तो मैं ड्यू टू बाईएक्सियल लोडिंग बता सीधे, क्योंकि अब अपने को इसमें रिजोल्यूशन में और कुछ में कहीं नहीं जाना, अपने को बस रिजल्ट याद रखने हैं और कुछ नहीं, ड्यू टू बाईएक्सियल लोडिंग, ठीक है। अब बाईएक्सियल लोडिंग यानी ये एक है बाईएक्सियल, एक्सियल में ही दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहे हैं फोर्सेस, ये P1 ये P2 ये P2, ठीक। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा ये स्ट्रेस भी गिवन होता है, स्ट्रेस के फॉर्म में भी σ1 गिवन होगा या σ2 गिवन होगा, ये क्या है σ2 या σ1 तो कैसे भी आ जाए, क्योंकि है तो लोड, लोड के कारण ही स्ट्रेसेस आएंगे। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट दो बाईएक्सियल स्ट्रेसेस लग रहे हैं σ1 और σ2 या दो बाईएक्सियल लोड्स लग रहे हैं P1 और P2, क्या फर्क पड़ता है, एरिया तो सब जगह A ही है। तो इसके कारण, इन लोडिंग के कारण मुझे अगर ये थीटा पर नॉर्मल और क्या चाहिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस चाहिए, वो कितने कितने आएंगे, बस हमें सीधे रिजल्ट याद रखने हैं और कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल, नॉर्मल जो P1 के कारण, देखो थीटा वर्टिकल से, थीटा वर्टिकल से, तो ये आ जाएगा P1 cos square theta। अब चाहो तो इसको स्ट्रेस में ले लो, P1 स्ट्रेस इन स्ट्रेसेस है, तो PN equals to P1 cos square theta plus P2 square, P2 sin square theta। अब अलग-अलग थीटा की वैल्यू पर क्या निकल जाएंगे मेरे पास, अलग-अलग नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। और PT आ जाएगा माइनस ऑफ P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा, ओके। तो ये निकला क्या, ड्यू टू बाईएक्सियल लोडिंग। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि थीटा इक्वल्स टू 30 है तो नॉर्मल और टेंशन स्ट्रेस जितने भी आ जाएंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये P1 और P2 लाइक स्ट्रेसेस है, लाइक स्ट्रेसेस मतलब दोनों टेंसाइल है ना। अगर एक नॉर्मल, अगर ये P2 ऐसे लग रहा होता, मान लो एक P2 ऐसे लग रहा होता,
ये यानी एक कंप्रेशन में आ जाता, तो यहाँ पी टू की जगह माइनस पी टू लिख लेता बस, और क्या यहाँ पर माइनस पी टू आ जाता, इधर माइनस माइनस प्लस पी टू हो जाता, क्या फर्क पड़ता, बस साइन तो चेंज करना है हमको, ठीक है। अब देखो यूनिएक्सियल देख लिया, सिंपल शियर देख लिया, बाई एक्सियल देख लिया, अब एक और नेक्स्ट क्या आएगा, बाई एक्सियल प्लस शियर, सिंपल। अब सीधे सीधे देखो, अब ये रिजल्ट सीधे याद रखना है अपन को, जब इसी रिजल्ट से अपना आगे वाला केस भी हो जाएगा, ये वाला जो केस था, अब बाईएक्सियल लोडिंग विथ सिंपल शियर, ये सबसे हमारा स्टैंडर्ड केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस ही यही है, विथ सिंपल शियर, विथ सिंपल शियर। तो मतलब अब क्या किया मैंने, ये यहां पर क्या लगाया, इधर क्या लगाया, एक P2, इधर भी P2, यहां पे P1, यहां भी P1, और एक शियर, ओ शियर कैसे लगता है, ये वाला पॉजिटिव शियर वाला अपन बता चुके हैं पहले में सारा, ये Q, ये Q। तो डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है कि किसी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस Pn कितना आएगा, देखो अभी वो टर्म देखे थे P1 cos square, बस वही याद रखना है, P1 cos square theta plus P2 sin square theta, सिंपल शियर के केस में नॉर्मल कितना आया था याद करो, sin 2 theta आया था ना, Q, बस वही करना, sin 2 theta सेम, और ये आ जाएगा अभी देखा था minus P1 minus P2 by 2 sin 2 theta प्लस cos 2 थीटा, और ये हमारे आगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब q को वैल्यू 0 है तो ये अपने आप कैंसिल होगी, सिर्फ बाईएक्सियल बन जाएगा, एक p2 को 0 कर दो, q को भी 0 कर दो, तो देखो अपने आप क्या हो जाएंगे, यूनिएक्सियल के लिए आ जाएगा। तो ये वाला केस चारों केसेस को कवर कर रहा है सीधे सीधे, अगर q को 0 रख दूं, p2 को 0 रख दूं तो यूनिएक्सियल बन गया, q को सिर्फ P1 और P2 को 0 रख दूं तो सिर्फ सिंपल शियर बन गया। तो ये एक जो अकेला केस है वो चारों केसेस को कवर करके चल गया, Pn और Pt को, क्लियर एकदम। अब अपन ने देखो क्या क्या देख लिया, अपन ने स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस, अभी तक स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंस पर गए नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड किस किस के वजह से निकाल दिए, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, सिंपल शियर और तो बाईएक्सियल प्लस सिंपल शियर, ये चारों कर दिया। अब बात आती है कि भैया ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस, अपन चैप्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस पढ़ रहे हैं, तो आपने अभी तक वर्ड प्रिंसिपल और स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल इसकी तो बात करी नहीं, क्योंकि अभी तो बस अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं उस पर आने वाला हूं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कैसे इंड्यूस होते हैं और कितने कितने कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो अब ये साइड में पढ़ रहे हैं तो इनको, क्योंकि इसी से ही अपना निकलेगा। अब आ जाओ, अब लोडिंग सारी लग गई, ठीक है, सिंपल के लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए। तो प्रिंसिपल प्लेन पहले देखते हैं, क्यों प्लेन देखेंगे पहले, क्योंकि अगर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्या है, प्लेन है, प्लेन जो हमारा कंसीडर कर रहे हैं ना हम, तो भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस प्लेन, क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, अपन ने पहले देखा था, ओके। तो प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं, प्रिंसिपल प्लेन हमारा ये सब जस्ट वही अपन ने देखा, ठीक है, ये देखा था अभी अपन ने कि यहाँ पर एक ये लग रहा है सिग्मा वन सिग्मा टू, कुछ भी मान लो पी वन, इधर सिग्मा टू मतलब इसको पी वन पी टू ही, ये पी टू और पी वन लग रहा है यहाँ, यहाँ P1, यहाँ P2, यहाँ P2 और यहाँ पर ऐसे शियर, ठीक। तो ये कौन सा कंडीशन है, बाईएक्सियल विद सिंपल शियर। तो अब क्या होगा, ये थीटा, अगर मैं प्रिंसिपल प्लेन की बात करता हूँ, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस थीटा पर थीटा एट विच टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आर जीरो, ठीक है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ थीटा हो जिस पर हमें टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कितने मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं, तो वो कौन सा प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन होगा, ये जो थीटा है वो कोई एक प्लेन पे ही लाई कर रहा है,
तो किसी कोई प्लेन जो थीटा प्राइम में बना रहा है वर्टिकल से, तो वो क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन्स, क्योंकि एक थीटा नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि अपन यहाँ साइन और कॉस की बात कर रहे हैं, साइन कॉस जहां भी आ जाते हैं तो थीटा अपने आप एक से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। तो PT equal to zero, PT equal to zero यानी tangential stress जिस plane पर zero होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? Principal planes कहलाएंगे। और जो principal planes पर normal stresses लगते हैं, वो क्या कहलाएंगे? Principal stresses। अब आगे बात principal stress की नाम। और जो principal stresses के कारण strains develop होते हैं, वो principal strains होंगे। सीधी बात। तब आपस में लिंक है। तो क्या बोला? ऐसे थीटा पर जब टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो, तो वो प्रिंसिपल प्लेन, जो प्रिंसिपल प्लेन सब बचे कौन से? अगर इस देखो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिस पर इस थीटा पर पीटी जीरो हो रहा हो, तो पीएन की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और फिर जब उसके रिस्पेक्ट में आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेंस। ठीक, अभी सिर्फ स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंस में ठीक है। अब बात आती है प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस पर, तो ठीक है। अब एक वर्ड आता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कितना होता है, मैक्सिमम और माइनर। ठीक है, अभी माइनर और मेजर की बात करते हैं। ठीक, तो देखो प्रिंसिपल प्लेन समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा कि सिग्मा मैक्स कितना है। सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स को मैं नाम दे रहा हूं ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होगा जिस पर, जिस प्रिंसिपल प्लेन पर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और किस थीटा पर आएगा ये? किस थीटा पर आएगा? प्रिंसिपल प्लेन पे आएगा वो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जब ही होंगे जब पीटी जीरो हो, क्योंकि नाम आ रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में पीटी जीरो, क्लियर, इनिशियल स्ट्रेस जीरो। और मेजर की बात कर रहा हूं, तो मेजर मतलब जो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है किस पर? प्रिंसिपल प्लेन्स पर, वो हमारा क्या कहलाएगा? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जो इस जिस थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर। ऐसे ही एक और वर्ड आता है माइनर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अभी जब आगे अपन मोर सर्कल पढ़ेंगे, मोर सर्कल डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें अपन डायरेक्ट फिगर के मदद से सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे। ओके, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, किस पर? फिर वही बात, प्रिंसिपल प्लेन्स पर। ठीक है, क्योंकि हमारा पीटी तो हमेशा जीरो ही है इन दोनों पर, इन दोनों पर हमेशा टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को जीरो ही है। बट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल, अब यहाँ अपन ने मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं करी प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए, क्या बोला था? बस ये बोला था कि पीटी जीरो ओनली। ठीक, पर मेजर और माइनर में क्या होगा? पीटी तो अभी भी जीरो ही है, और क्या होगा? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और मिनिमम वैल्यू अगर ले रहा है तो वो क्या लाएगा? हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जो थीटा आएगा इस पर, वो थीटा क्या होगा? माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक, लिखूंगा, लिख लो, ये है मेजर प्रिंसिपल प्लेन थीटा, इसको थीटा वन दे दो, इसको थीटा टू दे दो, ये आ जाएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन पीटी। ओके, तो समझ आ गई बात। तो ये अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि अगर बाई एक्स, अब ये सारा सिंपल सी है सबके सबके लिए, ये जनरल लोडिंग है पूरी, इसको जनरल केस ले लो, क्योंकि अगर चारों चारों यही हो जाएगा, चारों के लिए केस बन जाएगा। कैसे? अगर वही जैसे बताया कि Q0 है तो सिर्फ ये बन जाएगा, P2 0 है, P1 0 है, जो भी। ठीक, तो अगर मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूं, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलूं या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलूं या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोलूं, उन सब पर शियर स्ट्रेसेस कितने होंगे और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कितने होंगे? जीरो। ओके, ठीक,
40 मिनट वो 5 मिनट तो लेंगे, 30 मिनट ही है। तो अपन ने अभी एनालिटिकल मेथड देखे, अभी अपन ने जो जितने भी स्ट्रेसेस और स्ट्रेसेस ही अभी स्ट्रेसेस की बात हो रही है, तो जितने भी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं हमारे ऑब्लिक प्लेन्स पर वो हमने एनालिटिकली सॉल्व किए, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट करके डेरिवेशन करके। अब एक मेथड होता है मोहर सर्कल मेथड। मोहर सर्कल मेथड में अपन डायग्राम से मदद से हम क्या करेंगे, जितनी भी स्ट्रेसेस की वैल्यूज आई है हम सीधे सीधे निकालेंगे, जो हमारा थीटा है, थीटा कौन सा प्रिंसिपल प्लेन वाला, वो भी मोहर सर्कल से हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोहर सर्कल डायग्राम करने वाले हैं, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, आगे जब अपन वो पढ़ेंगे थ्योरीज पढ़ेंगे इलास्टिक थ्योरीज, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती है हमारी, ठीक है। तो सबके लिए अब इलास्टिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, भले एसएससी हो चाहे कोई सा भी स्टेट एजेंसी हो, तो उसके लिए पढ़ने के लिए अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़िए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट 8। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.